गली में बुलाया गया था जो कि घायल अवस्था में थी। बताते हैं कि जो है दूसरे व्यक्ति ने जो है टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से घायल हो गई थी। दोनों पक्ष में आपस में जो है कासुनी हो गई और मारपीट हो गई और कारण का जो है अभी कायदे से मालूम नहीं हुआ है किस वजह से मारपीट हुई है। यहाँ काफ़ी देर मारपीट हुई है, क्या पुलिस यहाँ चौकी है, इसके बाद भी यहाँ इस तरह की घटना है, क्या पुलिस चौकी है और इसके बावजूद जो है इस समय वहाँ कोई था नहीं, जिस समय मारपीट की घटना हुई थी उस समय कोई उपलब्ध नहीं था वहाँ, जबकि हमने वार्ड बाग भेजा तो देखा वहाँ कोई उपलब्ध नहीं है। इस तरह तो यहाँ पर डॉक्टर और स्टाफ के साथ भी मारपीट हो सकती है, कोई संभावनाएँ प्रबल रहती हैं, कभी भी मारपीट हो सकती है, कभी भी जो है ऐसी घटनाएँ घट सकती हैं, घटती भी रही हैं, तो ऐसे में जो है जिम्मेदारों को ध्यान देना चाहिए। जैसा जानकारी मिली है कि ट्रामा सेंटर पर एक महिला को चोट लगी थी जो बबेरू थाना अंतर्गत रहने वाली थी, कुछ विवाद हुआ था या स्वयं गिर गई थी, अभी प्रमाणित नहीं हुआ है, उसको इलाज कराने के लिए जो लोग ले आए थे और एक जिस पक्ष पर आरोप लगा रहे थे वो भी मौके पर आया था, कुछ अपने साथियों को बुलाकर आपस में जो है विवाद किए हैं, इसकी जानकारी रात में हुई है। तत्काल वहाँ मौके पर फोर्स पहुँची और उनको जो है हटाया गया वहाँ से और इसमें जो है तहरीर लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाती है। पर लोगों का कहना है कि वहाँ पर जिला अस्पताल में जो चौकी बनी उस समय वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। नहीं नहीं, चौकी पर परमानेंट जो है पोस्टिंग है और दिन में भी एक मामला था, वहाँ मैं स्वयं गया था, परमानेंट वहाँ महिला कांस्टेबल और हमारा आशा ज्योति केंद्र भी है और एक चौकी इंचार्ज की वहाँ नियुक्ति है जैसा है और लगभग 24 घंटे वहाँ हमेशा फोर्स रहती है। अब चूंकि ये ट्रामा सेंटर पर वहाँ पर्टिकुलर फोर्स न रही होगी लेकिन सूचना के बाद तत्काल वहाँ फोर्स पहुँची थी।